स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेलबर्न स्टार्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स बीबीएल टी20 मैच रिव्यू। तो बिना देरी किए आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच एमसीजी मेलबर्न के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 1:45 पे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 3 जनवरी को मेलबर्न स्टार्स वर्सेज मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज वाले कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जब यहाँ पे लास्ट टाइम 3 जनवरी को मैच हुआ था, तब की दोस्तों पिच की फोटो आप देख सकते हो। इस पिच की दोस्तों खासियत क्या है, जो पिच है दोस्तों एमसीजी की, ये पिच दोस्तों बहुत बढ़िया है, बैटर्स के लिए रन्स बनते हैं और जो भी टीम दोस्तों बैट फर्स्ट करती है उसको एडवांटेज मिलता है। और बढ़िया पिच रहती है पहली पारी के अंदर। मैं कैसे कह सकता हूँ कि पहली पारी के अंदर पिच ज्यादा बढ़िया खेलती है यहाँ पर ना, आउट ऑफ लास्ट 9 गेम्स जो टीम बैट फर्स्ट करिए 5 मैच जीती है। इसका मतलब ये दोस्तों पे जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो यहाँ पे सबसे पहले बैट फर्स्ट करना पसंद करेगी। यहाँ पे दोस्तों दूसरी पारी के अंदर ना पिच यहाँ पर थोड़ी सी स्लो जाती है, स्पिनर्स को यहाँ पे टर्न देखने को मिलती है, जो कटर बॉलर्स होते हैं उनके यहाँ पे दोस्तों बॉल थोड़ा सा पिच के अंदर ग्रिप करने लग जाती है। और आपको दोस्तों पता ही है सेकंड इनिंग्स के अंदर चेस करते हुए आपके ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है? तो बढ़िया फिर दोस्तों पहली पारी के अंदर अच्छा खेलनी चाहिए, चेस में भी अच्छा खेलती है आमतौर पर देखा जाए तो, अगर आप स्टार्टिंग से अटैक करते हो तो। आप पिच को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको पिच का वाइड व्यू देखने को मिलेगा, वाइड व्यू मतलब पूरी पिच एक साथ दिखती है। आप देखो, अगर आपको पिच को एकदम बारीकी से देखना है तो ये फोटो देखो दोस्तों, ये सबसे लेटेस्ट फोटो है जब यहाँ पे लास्ट टाइम मैच हुआ था 3 जनवरी को। आपको दोस्तों बताया, मैं बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करता हूँ दोस्तों पिच वगैरह की, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि पिच यहाँ पर किस तरह से रहेगी। अपन दोस्तों पिच रिपोर्ट को भी एकदम सीरियसली कवर करते हैं, इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जितनी शिद्दत से दोस्तों आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करोगे आपको दोस्तों जरूर मिलेगी। ये देखो दोस्तों पिच यहाँ पर ऐसी है, हल्के हल्के क्रैक्स हैं। और दोस्तों आपको बता होगा ये मैच नंबर 2 है दिन का, पहले यहाँ पे 8:40 पे स्टार्ट होगा कौन सा, हॉबर्ट हरिकेन्स वर्सेज सिडनी थंडर का मैच, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 1:45 पे उसी दिन यहाँ पर मैच नंबर 2 होगा, जो होगा दोस्तों जिसको अपन अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप समझ सकते हो पिच यहाँ पे दोस्तों ड्राई हो सकती है, स्पिनर्स को और मदद मिल सकती है, यूज भी रहेगी। ग्राउंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं, सामने की बाउंड्री 80 मीटर की देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी बाउंड्रीज है सामने की तरफ। ये दोस्तों मैदान बड़ा है एमसीजी। अब देखो स्क्वायर बाउंड्रीज, एक तरफ 74 मीटर है, एक तरफ दोस्तों 63 मीटर है, तो एक तरफ छोटा मैदान है एक तरफ बड़ा मैदान है। ये डायमेंशन दोस्तों हमेशा बदलते रहते हैं क्योंकि पिच ना बदलती रहती है। आपको दोस्तों पता होगा एक पिच के ऊपर सारे टाइम मैच होते नहीं है, तो ऐसा दोस्तों ग्राउंड डायमेंशन होता है आमतौर के ऊपर देखा जाए तो। ये दोस्तों स्टेडियम का व्यू है, टॉप क्लास दोस्तों स्टेडियम है, खास स्टेडियम है, एक ऐतिहासिक स्टेडियम है दोस्तों, मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। स्वागत है आप सबका किसके अंदर, बिग बैश लीग के अंदर, द लीग ऑफ चैंपियंस, द लीग ऑफ है क्या सकते हैं दोस्तों, लेजेंडरी प्लेयर्स है, बड़े बड़े दोस्तों प्लेयर यहीं तो मिलते हैं। बात करेंगे दोस्तों अब इसकी, अब स्टैट्स की बात करते हैं। आपको पहला पॉइंट नोट करना है, वेन्यू क्या है, मेलबर्न एमसीजी, टीम का नाम क्या है, मेलबर्न स्टार्स। तो दोस्तों इनका होम ग्राउंड है मेलबर्न स्टार्स का एमसीजी। आप देखोगे स्वेन्यू के ऊपर ना मेलबर्न स्टार्स ने एमसीजी के ऊपर 51 मैच खेले हैं, 28 मैच जीते हैं, अच्छा खासा रिकॉर्ड है इनका दोस्तों। इस मैच के अंदर मैक्सवेल नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों जो बाकी दिग्गज प्लेयर्स है, मार्कस टोनिस, जो बर्न्स, एडम ज़ैम्पाई सब वापसी करें तो अच्छी बात है। एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करते हैं, इनका दोस्तों यहाँ पे 0-5 का रिकॉर्ड है, मतलब 4 में से 1 भी मैच नहीं जीता है। बात करेंगे जो टीम बैट फर्स्ट करिए 5 मैच जीती है, जो टीम चेस करिए 4 मैच जीते आउट ऑफ लास्ट 9 गेम्स। ऑस्ट्रेलियन स्कोर पहली पारी के अंदर अच्छा बनता है, 150 के आसपास 190 तक चले जाता है। अब देखो लास्ट 9 मैचेस के अंदर सोनी के ऊपर क्या हुआ था, पेसर्स मतलब क्या होता है, तेज गेंदबाज ने यहाँ पे 67 विकेट्स निकाले, पहली पारी के अंदर 37 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 30 विकेट्स है तेज गेंदबाजों के। राइट आर्म पेसर्स 55 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 12 विकेट है। बात करेंगे दोस्तों स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट 9 मैच के अंदर 36 विकेट निकाले। इनको दोस्तों अपने प्लान्स के अंदर कंसिडर करना, रीजन क्या है, पिच विल बी द यूज्ड, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फ्रेश पिच तो आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं रहने वाली है। पहली बारी के अंदर यहाँ पे स्पिनर्स ने 14 विकेट निकाले हैं, दूसरी बारी में भाई साहब कहर मचाते हैं, 22 विकेट है स्पिनर्स के। तो सेकंड इनिंग्स के अंदर स्पिनर्स दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, कट्टर बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो गति परिवर्तन करते हैं, मिश्रण करते हैं। लेग स्पिनर्स के 20 विकेट है यहाँ पर,
ऑफ स्पिनर्स के तीन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के साथ, लेफ्ट आर्म चैनमैन के 6 विकेट। बात करेंगे दोस्तों वेगस की, जो लास्ट मैच हुआ था 3 जनवरी की बात है, यहाँ पे मेलबर्न स्टार्स वर्सेज मेलबर्न रेनेगेड्स डर्बी का मैच था। उस मैच के अंदर 9 विकेट पेसर्स के थे, 6 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे। डर्बी मतलब जब भी मेलबर्न के बीच में मैच होता है ना, तो डर्बी होता है, और स्मैश होता है तब सिडनी और सिडनी के बीच में मैच होता है, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच में। सनी दोस्तों वेदर है, मेरा फर्ज बनता है, इट्स माय ड्यूटी टू शो यू वेदर फोरकास्ट। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर बढ़िया वेदर फोरकास्ट एमसीजी के ऊपर, बारिश नहीं होगी, ट्यूजडे के दिन बारिश है जस्ट मैच के अगले दिन। तो यार वही कहूँगा, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। न्यूज़ की बात करते हैं, डेली स्ट्राइकर्स के लिए जॉर्ज गर्टन नेशनल ड्यूटी के ऊपर जा चुके हैं। बात करेंगे मेलबर्न स्टार्स की, इसमें दोस्तों बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। पहली बात करते हैं यहाँ पे इसकी, जो क्लार्क के इस मैच के अंदर दोस्तों फिट रहेंगे, स्क्वाड के अंदर इनका नाम लिखा गया है, ये अवेलेबल होंगे। नैथन कुल्टन का दोस्तों स्क्वाड के अंदर नाम नहीं है, इनका हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। ये दोस्तों एक बहुत पुराने कस्टमर है हैमस्ट्रिंग के, हर बार इनकी होती है तो लंबा टाइम लेते हैं रिकवर करने में। जो बंस, सैम एलियट, क्लिंट हिंचक्लिफ, नेक लार्किन, पीटर नेविल दोस्तों न्यू साउथ वेल्स के अंदर जा चुके हैं। फिर रैन बर्ड्स है, पीटर बियन वेबस्टर है, एडम जैम्पा है, मार्कस टोनिस है, ये सब दोस्तों वापसी करें इंस्टेड ऑफ पीटर नेविल। यहाँ पे दोस्तों मैं रिपीट करता हूँ, पीटर नेविल दोस्तों वापसी नहीं करेंगे। क्यों? इसका रीजन दोस्तों आपको बताऊँ क्या है। पीटर नेविल ने क्या कहा है कि भाई साहब आप यंग प्लेयर को चांस दो, जो दोस्तों इनके पास यंग प्लेयर कौन है आप जानते रहेंगे दोस्तों, पैट्रिक रॉबे उनको चांस दो, मैं घर जा रहा हूँ। ये दिखा था दोस्तों कितना बढ़िया कैरेक्टर है पैटर नेविल का, उन्होंने दोस्तों यंगस्टर को चांस देने के लिए कहा है। अब देखो यहाँ पे बात है दोस्तों किसकी, अहमद डेनियल को स्क्वाड से बाहर करा है, मैक्सिको पॉजिटिव आए तो भी दोस्तों ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। दोनों टीम्स ना बस के अंदर 13 मैच खेलने हैं, मेलबर्न स्टार्स है जीती है, एडिलेड स्ट्राइकर्स साथ जीती है, दोस्तों टक्कर का मैच है ये। मेरे हिसाब से मेलबर्न स्टार्स विल बी थोड़ी सी फेवरेट होंगी। बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की, लॉस वॉन लॉस 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 वॉन, तो आप समझ सकते हो 7 मैच हारी 2 मैच जीती दोस्तों, बढ़िया टीम है वैसे देखा जाए तो। हैरी एंड ओपन करेंगे मैथ्यू शॉर्ट के साथ, मैट रेंच है, जॉन विल्स है, लास्ट मैच में दोस्तों जैक वुडलैंड को नीचे में जाता है, इस मैच में भी शायद नीचे आएंगे। हैरी निल्सन है, थॉमस के लिए राशिद खान है, वैस अगर है, पीटर सिडल है, यहाँ पे हैरी कॉन वे है, कैप्टनसी पीटर सिडल, प्रमुख गेंदबाज होंगे राशिद, वैस अगर, पीटर सिडल, हैरी कॉनवे और दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट। चलेंगे यहाँ पर अपन मेलबर्न स्टार्स की तरफ, लॉस वन वन लॉस 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 अबंडेंट लॉस लॉस, तो सीजन अच्छा गया नहीं यार। मार्कस टोनिस ओपन करते हैं, जो क्लार्क के साथ आएंगे, निक लार्किन, जो बर्न्स, सिल्टन कार्टराइट, बियन वेबस्टर, एडम जैम्पा कप्तानी कर रहे हैं, कास अहमद, हरी श्रॉफ, ब्राउडी कॉस, सैम रेनबर्ट्स अवेलेबल हैं। बात करेंगे दोस्तों किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती तो क्या होता है, जब दोस्तों हैरी एंड खेलते हैं अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स, एक भी मैच नहीं खेला है और इसका T20 के अंदर 2 मैचेस में 23 रन है, अभी डेब्यू करा हाल ही के अंदर इसी कह सकते हैं इसी सीजन के अंदर। मैथ्यू शॉर्ट का 5 मैच के अंदर 46 रन है अगेंस्ट दिस टीम जिसका नाम आप जानते हो, मैं जानता हूँ मेलबर्न स्टार्स, बैट पर 23-6 है जिसके ऊपर 16-0 है। बात करेंगे मैट रेंशो की, मैट रेंशो ने 6 मैच खेले हैं, 123 रन करा, हेड टू हेड के अंदर 25 की औसत है, बैट फर्स्ट 10 है जिसके ऊपर 45-39 है, यहाँ पे 20-9 है। आएंगे दोस्तों जॉन ओवेल्स, ये दोस्तों का जब प्लेयर है, टेक्निकल साउंड बैटर है ये भाई, अलग लेवल का प्लेयर है, 12 मैच 348 रन है, 58 की एवरेज है, बैट फर्स्ट 68 नॉट आउट, 68 55 नॉट आउट, 32 नाबाद, 22-19 अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स, चेस के ऊपर 36-18, 17 नाबाद 13, टॉप क्लास प्लेयर आएंगे यहाँ पे। फिर जैक वेदरलैंड 8 मैच के अंदर 112 रन से 14 की औसत है, बैट फर्स्ट 21 15 15 11, चेस के ऊपर 19 18 10 3 है। आएंगे हैरी निल्सन, 1 मैच के अंदर 8 रन, हेड टू के अंदर थॉमस कैली दुक्का दोस्तों T20 के अंदर 7 मैचेस में 142 रन है, 24 की औसत है, इस टीम के खिलाफ नहीं खेला है। खान साहब, करामाती खान साहब, 6 मैचों में 7 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर, बॉल फर्स्ट के अंदर 3 मैचेस में 4 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 3 मैच में 3 विकेट है, इस टीम के खिलाफ आज तक विकेटलेस नहीं गए हैं, विद द बैट 26 रन है। वैसे गैर, 6 मैचों में 7 विकेट्स हैं, बॉल फर्स्ट 2 में 2, बॉल सेकंड के अंदर 4 मैचों में 5 विकेट है, 2 मैच के अंदर ये विकेटलेस भी गए हैं। पीटर सिडल, 4 मैच में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1, बॉल सेकंड के अंदर 3 मैचेस में 7 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेटलेस गए हैं। ये दोस्तों टैथुर में आते हैं, गति से डालते हैं दोस्तों, इनकी यॉर्कर बहुत स्पेशल है मेरे हिसाब से, इवन दोस्तों आपको IPL के अंदर दिख सकते हैं, मेरे हिसाब से टीम को साइन करना चाहिए यार, जो यॉर्कर्स डालते हैं, पीटर सिडल आर द वन ऑफ द बेस्ट इन द क्रिकेट कह सकते हैं दोस्तों। आएंगे फिर यहाँ पे हैरी कॉनवे, 1 मैच के अंदर 1 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए आएंगे फवाद अहमद, 12 मैचेस में 8 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर, बॉल फर्स्ट के अंदर 5 मैचों में 4, बॉल सेकंड के अंदर 5 मैचों में 4 विकेट्स हैं और 3 मैच के अंदर विकेटलेस गए हैं। और आप कहोगे आपने यहाँ पे 12 मैच लिखा है, भाई साहब इसने 10 बारी में बॉलिंग कराई थी, 2 मैच के अंदर बॉलिंग नहीं कराई थी इसलिए 12 मैच है। ओवरऑल का 2 मैच में 2 विकेट है, रियान गिब्सन का स्टैट दिए हैं, लियम स्कॉट के दिए हैं, स्पेंसर जॉनसन के यहाँ पे, लियम कॉनर के हैं, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टार्टिंग में डालेंगे आप पे कौन, मैथ्यू शॉर्ट, वैस अगर, पीटर सिडल, हैरी कॉन, बेटा तौर में वैस अगर, पीटर सिडल और राशिद खान, पावर सेट में पीटर सिडल और राशिद खान है। राशिद खान का दोस्तों अगर पीटर सिडल को रिस्क लगता है, जो कैप्टन है एडिलेड स्ट्राइकर्स का, अगर इनको रिस्क लगता है राशिद खान पावर सेट में अच्छा नहीं डाल पाएंगे तो लोग वैस अगर को भी दे सकते हैं।
मेलबर्न स्टार्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे मार्कस स्टोनिस खेलते हैं अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स, 8 मैच 30 की औसत है, 241 रन है, 4 विकेट से विद द बॉल, बॉलिंग दोस्तों कर सकते हैं, पर ये हाल ही के अंदर इनको कोविड हुआ था तो कंफर्म दोस्तों मैं कह नहीं सकता, अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली भी नहीं है मेरे को सोर्सेस से, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इनके सोर्सेस से न्यूज़ आती रहती है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बैट फॉर 53, 47, 39, 13, चेस के ऊपर 50, 33, 5, 1। मैं दोस्तों अगर बाई चांस इनकी न्यूज़ आती है ना बॉलिंग करने की, तो आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं बता दूंगा, आप वहाँ पे दोस्तों एक्टिव हो सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो क्लार्क के दोस्तों बढ़िया बैटर है, इस टीम के खिलाफ नहीं खेला है अभी तक बिग बैश के अंदर, अपना कैर दिखा दिया इसने लास्ट 2-3 मैचेस से। निक क्लार्क इनका 4 मैच में 37 रन है, 12 की औसत है, बैट फर्स्ट 18-19-0, ये भी दोस्तों टॉप क्लास प्लेयर है, सॉलिड टेक्निक है इनका, जो खेलने का अंदाज है। एंगे जो बंस 9 मैच में 103 रन से 17 की औसत है, बैट फर्स्ट 20, 10 नाबाद 4-3, चीज के ऊपर 37, 17 नाबाद 10 नाबाद, देखिए एक मेरे को लग रहा है दोस्तों यहाँ पे मार्कस टोनिस और निक क्लार्क इन ओपन करेंगे, जो बंस वन डाउन आएंगे एंड कॉट राइट। 7 मैच 22 के औसत 90 रन है, बैट फर्स्ट 30 नाबाद 2-1, चीज के ऊपर 47 नॉट आउट 7-2-1 नॉट आउट। ये साल दोस्तों पूरे मेलबर्न स्टार्स की टीम में जो कंसिस्टेंट प्लेयर लगा है सबसे ज्यादा वो हिल्टन कार्टराइट लगा है, इवन मैक्सवेल इतने कंसिस्टेंट नहीं है, स्टोनिस भी इतने कंसिस्टेंट नहीं है। बियन वेफर का 8 मैच में 195 रन, 65 की एवरेज है, ग्रैंड लीग भी हो सकते हैं, बैट फर्स्ट 67 नॉट आउट 49, चीज के ऊपर 36 नाबाद 33 10। काज अहमद का 2 मैचेस के अंदर 0 विकेट्स है, एक बार बॉल फर्स्ट करा, एक बार बॉल सेकंड करा। एडम जैम्पा 8 मैचेस में 9 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर इसका 2 विकेट्स है 4 मैच में, बॉल सेकंड के अंदर इसका 4 मैचेस में 7 विकेट है, 4 मैच के अंदर विकेटलेस भी गया है। इज अ स्टार बॉलर एडम जैम्पा, वर्ल्ड कप दोस्तों याद करो एक बार आप, 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएई के अंदर, भाई गजब याद है उस बंदे का, यादगार वर्ल्ड कप था। ब्राउडी कॉच का T20 के अंदर 6 मैचेस में 10 विकेट है, हरी श्रॉफ आएंगे इस टीम के खिलाफ नहीं खेला, मतलब ब्राउडी कॉच ने, हरी श्रॉफ ने अगेंस्ट दिस टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स 2 मैचेस खेले हैं, दोनों बार बॉल सेकंड करा है, 1 विकेट है। रेनबर्ड्स 3 मैच के अंदर 1 विकेट है, 0 विकेट बॉल फर्स्ट करते हुए, और बॉल सेकंड करते हुए 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। पैट्रिक रॉय दोस्तों मुझे इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं लग रहे हैं। कुलटन लैंड दोस्तों इंजर्ड है, लेकिन इसके स्टैट्स बहुत तगड़े थे, इवन दोस्तों इन्हें को मैंने कैप्टनसी लिस्ट में डाल रखा था। ट्रेविस जिनके स्टैट्स यहाँ पे देख लो, T20 के अंदर 3 मैच में 50 रन है, अभी हाल ही के अंदर ODD कप्स के अंदर इसने 11 मैच में 306 रन करे थे, हाल के अंदर नहीं, इनका पूरा ODD कप का स्कोर ये रहा है। ODD मतलब क्या होता है, एक दिवसीय घरेलू मैचेस के 50 ओवर के उसने क्या करा है, 50 ओवर के मैचेस के अंदर ये ठीक है, ये डोमेस्टिक ODD नहीं है, ये पूरा जो रेगुलर मार्च कप होते हैं ना विक्टोरिया के, उसके स्टैट्स हैं, इस साल के नहीं, ऑल ओवर द टाइम के स्टैट्स हैं उनके। वो स्टार्टिंग को रेनबर्ड डाल सकते हैं, ब्राउडी कॉच, हरी श्रॉफ, डेथ में ब्राउडी कॉच आएंगे, हरी श्रॉफ, एडम जैम्पा आएंगे, और दोस्तों एक और मुश्किल से सैम रेनबर्ड डाल सकते हैं। पावर सर्च में दोस्तों दोनों नाम कंफर्म है, ब्राउडी कॉच, हरी श्रॉफ, अगर बाई चांस जैम्पा का मूड हुआ तो दोस्तों वो भी आ सकते हैं। मैंने स्टैट्स की बात करते हैं, मैदान दोस्तों MCG मेलबर्न है, यहाँ पे खेला मैथ्यू शॉट ने, 3 मैच 75 रन है, बैट फर्स्ट 10 है, चेस के ऊपर 45-20 है। जनोविल्स ये भाई अलग लेवल का प्लेयर है, 4 बार यहाँ पे बैट करा है, 5 मैच खेल के सिर्फ 4 ही बार बैट करा है, एक बार बैट नहीं करा था, तो देखो 5 मैच में 127 रन है, 32 की औसत है, बैट फर्स्ट 68, 22, 19, चेस के ऊपर 18 है। जैक विदरलैंड 2 मैच में 21 रन है, 11 बैट फर्स्ट है, 10 चेस के ऊपर है। हैरी नेल्सन यहाँ पे नहीं खेले हैं, थॉमस केली नहीं खेले हैं, राशिद खान दोस्तों इवन यहाँ पे नहीं खेले हैं, मैं देख के शौक था। पीटर सिडल 2 मैच के अंदर 0 विकेट है, एक बार बॉल फर्स्ट, एक बार बॉल सेकंड है, वैसे अगर कभी सेम है, बॉल फर्स्ट 0 विकेट, बॉल सेकंड भी 0 विकेट है 2 मैच में। हैरी कॉनवे का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 0 विकेट से दोस्तों आप हैरी कॉनवे के उन्होंने खेला ही नहीं है। फवाद के 6 मैच में 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 3 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 2 मैचेस में 3 विकेट है। फिर आएंगे दोस्तों यहाँ पे डैनियल वॉरेल, आप दोस्तों सही देख रहे हो, 17 मैच के अंदर यहाँ पे 11 विकेट्स, 10 विकेट्स है, 11 रन विद द बैट है, 11 मैच के अंदर यहाँ पे विकेटलेस भी गए दोस्तों। पहले इनका होम ग्राउंड था डैनियल वॉरेल का, मेलबर्न स्टार्स के लिए पहले खेला करते थे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, मेलबर्न स्टार्स की, इनका होम ग्राउंड है मार्कस टोनिस का, 33 मैच के अंदर 32 की औसत है, 839 रन है, बॉलिंग से 16 विकेट्स हैं, 9 टाइम्स 30 प्लस शॉट्स करें और 4 बार पहली पारी में है। जो क्लार्के का 2 मैच के अंदर यहाँ पे 13 रन है और 0 रन से बैट फर्स्ट करते हुए, निक क्लार्के का 16 मैच में 364 रन है, 36 की औसत है, लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है, बैट फर्स्ट 83 नॉट आउट 24 12 6 नॉट आउट 52 नॉट आउट 23 है, जिसके ऊपर 70 43 22 16 6 4 3। जो बंस का 3 मैच में 87 रन है, बैट फर्स्ट 27 है, चेस के ऊपर 42 नॉट आउट 18 नॉट आउट है। कॉर्टराइट का 11 मैच के अंदर 60 प्लस एवरेज है, यहाँ पे 11 मैच के अंदर 326 रन है, बैट फर्स्ट 59 58 नॉट आउट 38 नॉट आउट 30 42 23 21, चेस के ऊपर 23 है, 12 नाबाद है, 0 है। वेस्टर की बात करते हैं, 6 मैच में 108 रन है, बैट फर्स्ट 54 नॉट आउट 29 19 2 4 नॉट आउट। कास अहमद की बात करते हैं, यहाँ पे 3 मैचेस के अंदर 2 विकेट्स हैं, हर बार बॉल सेकंड करा है। जैम्पा का 28 मैच में 36 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 19 विकेट्स है 15 मैचों में, बॉल चकनी के अंदर 13 मैचेस में 17 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। ब्राउडी कॉच का 3 मैच के अंदर यहाँ पे 2 विकेट्स हैं, हरी श्रॉफ का 6 मैचों में 9 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 2 मैचेस में 4 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 4 मैच में 5 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं।
रेनबर्ट्स का दो मैच में दो विकेट है, हर बार बॉल सेकंड करा है। बात करेंगे मैचअप्स की, मार्कस टोनिस वर्सेस राशिद खान, बहुत अच्छा मैचअप है। 30 गेंद 38 रन, 3 दफा आउट करा दोस्तों राशिद खान ने मार्कस टोनिस को, 3 बार पहली बारी में आउट करा है। इवन पीटर सिडल ने 18 गेंद में 19 रन देकर 1 बार आउट करा है, फवाद ने 1 बार, वैसे घर ने 1 बार आउट करा है। जो क्लार्की की बात करते हैं तो आप इनका दोस्तों लेक्सन के सामने देख सकते हो दिक्कत है, राशिद खान एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, देखते हैं किस तरह से खेलते हैं उनको। जो बंस वर्सेस पीटर सिडल 7 गेंद 10 रन 1 बार आउट करा है। बात करेंगे मैक्सी की, इनके स्टैट्स दोस्तों मैंने लिख के आपको दे दिए हैं, बाई चांस खेल ले तो, पर खेलेंगे नहीं यार वो। कार्टराइट की बात करते हैं, इनका शिकल राशिद खान के सामने 16 गेंद 8 रन 1 बार आउट करा है। आएंगे दोस्तों निक लार्किन, इनका आप देख सकते हो राशिद खान के सामने 8 गेंद 6 रन, वैसे करके सामने भी 8 गेंद 6 रन 1 बार आउट हुए हैं। बी एम नेप्स्टर वर्सेज राशिद खान 29 गेंद 26 रन 1 बार आउट हुए हैं, वॉरल के सामने 2 गेंद 1 रन 1 बार आउट हुए हैं। जैक वेदलन वर्सेज जैम्पा 6 गेंद 5 रन, भाई साहब 2 बार आउट करा है, दोनों बार पहले दूसरी बारी में आउट करा है, तो अच्छा मैचअप है जैक वेदलन वर्सेज जैम्पा। बात करेंगे फिर यहाँ पे मैथ्यू शॉट की, इनका दोस्तों किसी पर्टिकुलर बॉलर के सामने स्ट्रगल नहीं है, कमी फेस करा है। मैट ट्रेंच वर्सेज जैम्पा 28 गेंद 26 रन 2 बार आउट करा है, और कास एमन ने 1 बार करा है, रनबर्ट्स ने 1 बार आउट करा है, स्टॉनिस ने भी 1 बार आउट करा है। जॉनी वेल्स वर्सेस कुल्टन आयल था, पर कुल्टन आयल दोस्तों बाहर हो चुके हैं, हरी सराफ ने इनको 9 गेंद में 19 रन देकर 1 बार आउट करा है। जैम्पा के सामने दोस्तों स्ट्रगल नहीं लेते हैं, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, 2-3 प्लेयर दोस्तों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। पहला नाम दोस्तों मुझे याद आता है एक एलेक्स रो, सबसे बेस्ट स्पिनर प्लेयर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर दोस्तों जॉनी वेल्स आते हैं, फिर तीसरे नंबर पर थोड़ा बहुत जॉर्डन सिल्क आ जाते हैं कभी कभी। फिर यहाँ पे देखो स्टॉनिस ने 1 बार आउट करा है 3 गेंद में 2 रन देके, मैक्सी ने भी 1 बार आउट करा है। कॉमन कैप्टन मैथ्यू शॉट, राशिद खान, बड़ी लीग्स में दोस्तों आप बनाओ यहाँ पे कैप्टन मैथ्यू शॉट को, राशिद खान को, मैट ट्रेंचो, मार्कस टोनिस को, लग जाना हरी सराफ, जैम्पा, कार्टराइट अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे कैप्टन के लिए किसको चुनोगे, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कैप्टनसी की, पीटर सिडल, मैथ्यू शॉट या राशिद खान, दोस्तों कमेंट करना सबसे बेहतरीन कैप्टनसी का ऑप्शन कौन हो सकता है, और लॉजिक बताना दोस्तों कि हाँ भाई राशिद खान रहेंगे क्योंकि मिडिल ऑर्डर अनएक्सपीरियंस है, ऐसा आप कुछ लॉजिक बता सकते हो। मैथ्यू शॉट अच्छा कर सकते हैं, 4 ओवर डालेंगे, बात आपको भी पता है। फिर दोस्तों बैट करते हैं, सामने बॉलर रहेंगे दोस्तों कास एमन, एडम, जैम्पा जैसे, तो क्या उनको खेल पाएंगे, कमेंट करना दोस्तों। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे किसकी टीम्स की, मैथ्यू शॉट कैप्टन, राशिद खान वाइस कैप्टन है, जैम्पा यहाँ पे, पीटर सिडल, हरी श्रॉफ, ब्राउडी कोच है, यहाँ पे दोस्तों जॉनी वेल्स है, मैट रेंशर, जो क्लार्क है, हिल्टन कॉर्टराइट है, मार्कस टोनिस है। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है दोस्तों यहाँ पर कीपिंग सेक्शन के अंदर तो मेरे साथ सबसे टॉप पिक रहेंगे यहाँ पे जो क्लार्क है, ठीक है, वो कहूँगा लाइफ में दोस्तों कुछ बड़ा पाना है ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा हो, तब भी तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको पहले कभी नहीं मिले। बी फील है, सो यू टैलेंट हुए दोस्तों, आपको कहूँगा मेरे बार कार्टराइट दोस्तों एक अच्छे बैटर, सब जानते हैं दोस्तों ये एक लाजवाब परफॉर्मर है। यहाँ पे आप पूरे बैटर सेक्शन में देख लो, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 2 ही प्लेयर्स के हैं, कार्टराइट के, जॉनी वेल्स के, रेंशो दोस्तों अच्छा कर रहे हैं, वेदरलैंड दोस्तों नीचे खेलने लगे हैं, फॉर्म ऐसा ही इनका। फिर यहाँ पे देखो आप ट्राई कर सकते हो निक लार्किन को, अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो स्टॉनिस दोस्तों वर्ल्ड क्लास बैटर है, इनको यार ड्रॉप करना दिल में दोस्तों चुभेगा, क्योंकि ये जो ऐसा प्लेयर है, मुझे दोस्तों अभी भी याद है बिग बैश सीज़न 9 था, भाई ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया था, सीजन 9 हो गया, फिर 8 हो गया दोस्तों, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था। आएंगे फिर यहाँ पर कौन, हैरियंट को ट्राई कर सकते हो, सॉलिड बैटर है दोस्तों, टेक्निक बहुत सही है। आएंगे फिर दोस्तों यहाँ पे मैथ्यू शॉट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये मैक्सी बाहर हुए हैं, वेबस्टर दोस्तों ट्राई कर सकते हो, इज ए गुड प्लेयर। आएंगे फिर यहाँ पे पीटर सिडल इंपॉर्टेंट रहेंगे, खान साहब इंपॉर्टेंट, हरी श्रॉफ इंपॉर्टेंट, कास अहमद दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है, ब्राउडी कॉस दोस्तों डेथर में आ सकते हैं, वैसे अगर दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एडम जैम्पा की, ये दोस्तों कैप्टनसी करेंगे, अच्छा कर सकते हैं इस मैच के अंदर। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करा वो मिल जाएगा। चैनल पे दोस्तों न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, तब तक ले टेक केयर, सी यू गाइस, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।